मजीद लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाला हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के हवाले से। मैट्रिक पार्ट वन, पार्ट टू, इंटरमीडिएट पार्ट वन, पार्ट टू, इस हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा कि इनका रिजल्ट किस डेट को अनाउंस होना है और किस टाइम अनाउंस होना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक चीज वजाहत के साथ। सबसे पहले हम प्रीवियस चलते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए जी, इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट था उसकी अनाउंसमेंट 1 अक्टूबर हो चुकी थी, जबकि मैट्रिक के रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट थी वो 16 अक्टूबर की डेडलाइन थी। जबकि 1 अक्टूबर जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट पार्ट टू की जो अनाउंसमेंट थी कि ये रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा, उससे एक दिन कबल जो है एक नोटिफिकेशन आता है कि रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। उसकी क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। उस लेटर की मंजूरी के बाद और कुछ जो रिसोर्सेज ने बताया उसमें ये था, जो मैंने वीडियो भी प्रीवियस बनाई थी कि उन्होंने कहा है उस लेटर में कि अभी तक हमें जो है पंजाब हुकूमत ने जो है यानी कि मंजूरी नहीं दी कि आप बच्चों को प्रमोट करें, वो भी रियायती मार्क्स की पॉलिसी पे। उसकी मंजूरी होगी उसके बाद हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, जबकि रिजल्ट हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, अब वो 1 अक्टूबर चला गया, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हमारा रिजल्ट किस तरह बनेगा, जबकि मर्दान और इस्लामाबाद में जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अच्छा, अब आ गई है पंजाब की बारी। अब जी देखें, 1 अक्टूबर तो डेट आउट ऑफ हो गई। अब जो अनाउंसमेंट है, जो सेकेंडरी हाई स्कूल है यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट है वो पार्ट टू का, उसका रिजल्ट जो है 9 अक्टूबर को और इसके अलावा 18 अक्टूबर को जो है इंटरमीडिएट पार्ट टू का रिजल्ट जो है वो अनाउंस होने जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट वीक के अक्टूबर में भी रिजल्ट अनाउंस होगा, और इसके अलावा किसका रिजल्ट अनाउंस होगा, 9th का पार्ट वन का और 9th पार्ट वन का और 11th पार्ट वन का होगा 1 नवंबर के वीक में। ठीक है, लास्ट वीक में होगा नवंबर के 9th पार्ट वन का और 1st वीक में होगा इसका 11th पार्ट वन का, जबकि 12th पार्ट टू का रिजल्ट अनाउंस होगा 18 अक्टूबर को और इसके अलावा मैट्रिक 12th पार्ट टू का जो होगा वो होगा 9th को। अच्छा, ये रिजल्ट की अनाउंसमेंट है और इनकी जो टाइमिंग है वो 10 बजे अनाउंसमेंट की है। पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं सबका रिजल्ट जो है 10 बजे बच्चों को शो हो जाएगा। तमाम बच्चों ने अब जो है टेंशन नहीं लेनी, बस दुआ करें आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आ जाएं, और जितने भी मार्क्स आ जाएं आपने इसी पर ही गुजारा करना है। ई कैटेगरी के बच्चों के लिए मैंने वीडियो बना दी थी, उसमें यह था कि उन बच्चों का जो है एडमिशन नहीं होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, और रियायती पार्क्स होंगे और उनकी जो डिग्री है उस पर भी लिखा जाएगा कि ये बच्चे जो है रियायती पार्क्स किए गए हैं। अच्छा जी, ये पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए जिन बच्चों का दाखला नहीं होगा, वो मैंने बताया था कि उनका एडमिशन जो है प्राइवेट हो सकता है, तो वो प्राइवेट एडमिशन ले लेंगे और अपनी तालीम जो है वो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो है वो जारी रखेंगे। ADP है, उसके ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, 2 साल प्रोग्राम में एडमिशन हो जाता है। BS के अब तो गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस भी BS करवा रहे हैं तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमारी बार ओपन यूनिवर्सिटी में ही कैटेगरी के बच्चे जो है वो एडमिशन ले सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।